हेलो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं ठीक है तो आज हमारा जो टॉपिक है न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स फर्स्ट थिंग्स वी कंसीडर अबाउट न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड हम इनको डिटेल में देखेंगे ठीक है इनके बारे में सारा अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखते हैं तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है जिसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं इसके साथ साथ अगर ये शुगर मोइटी को अगर लिए हुए है तो इनके कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं न्यूक्लियोसाइड्स बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है नाइट्रोजन बेस तो होता है मीन न्यूक्लियोसाइड होता है इसके साथ साथ इसमें अगर फॉस्फेट आयन्स होते हैं फॉस्फेट आयन्स अगर होते हैं तो उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं ठीक है ये होता है अब चलो हम समझते हैं कि ये क्या होते हैं सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं नाइट्रोजिनियस बेस क्या होते हैं इसको हम समझते हैं वैसे आप जानते हो कि जो नाइट्रोजन होता है नाइट्रोजन के पास अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो ये बीह लुइस बेस ये बेस क्यों होता है क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं तो नाइट्रोजनस बेस को हम दो कैटेगरी में रखते हैं एक में हम रखते हैं प्योरिन किसको प्योरिन बोलते हैं दूसरे कैटेगरी के को हम बोलते हैं पीरीमेडिन बोलते हैं पीरिमेडिन बोलते हैं ठीक है ये दो होते हैं ठीक है अब इनका स्ट्रक्चर भी हम बारी बारी से देखेंगे अब देखिए जो प्यूरिन्स होते हैं फद टू कैटेगरी में इनको रखा गया है कौन कौन से पहला एडेनिन एडेनिन दूसरे को गुआनिन बोलते हैं इसको ए से दिखाते हैं इसको जी से दिखाते हैं जो पिरीडी होते हैं इस थ्री कैटेगरी में इसको रखा गया है कौन कौन से चलो उसको हम देखते हैं इनके स्ट्रक्चर भी अभी मैं आपको बताऊंगा साइटोसिन साइटोसिन यूरोन और एक थायमिन जो एडेनिन होता है इनके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं इन दोनों के स्ट्रक्चर सिमिलर है और इन दोनों के स्ट्रक्चर इन तीनों के स्ट्रक्चर आपस में सिमिलर है क्या है देखो पहला हम एडेनिन का देखते हैं नाइट्रोजन होता है सिक्स मेंबर रिंग इसमें टू नाइट्रोजन रिंग वन अल्टरनेट वन पोजीशन पर यहां पर इसमें नाइट्रोजन रिंग इससे डायरेक्ट ध्यान से देखना ए स्ट्रक्चर इसका होता है इसमें बेंजीन जैसा होता है वहां पर दो पोजीशन पर एडेनिन का स्ट्रक्चर होता है इसमें अगर एनएसटू ग्रुप की जगह ओ लगा दिया जाए और इस पोजीशन पर एनएसटू लगा दिया जाए इस पोजीशन पर हो जाता है देखते हैं गुआने का स्ट्रक्चर इस पोजीशन पर हमें एनएसटू लगाना है यहां पर ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ठीक नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है अभी जो ये स्ट्रक्चर है एनएच अभी जो स्ट्रक्चर है इसको गुआनिन जी बोलते हैं ठीक है गुआनिन जी होता है इन दोनों के स्ट्रक्चर सिमिलर हैं, काफी हद तक मिलते हैं और इन तीनों के स्ट्रक्चर आपस में मिलते हैं ठीक है थीके? तो हम इन तीनों को देखते हैं साइटोसिन का पल हम देखते हैं ये हो गया साइटोसिन का स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है अगर हम यहां पर डबल एनएसू ग्रुप को रिप्लेस करके ओ ग्रुप लाए और डबल की जगह एक हाइड्रोजन लगा दे तो यूरेसिल और यूरेसिल का अगर मेथाइल डेरिवेटिव इसमें लगा देते हैं तो ये थायामीन होता है तो ये हो गया हमारा प्योरिन और पिराडीन्स प्योरिंस के दोनों स्ट्रक्चर ए और जी आपस में सिमिलर होते हैं बहुत ही माइना डिफरेंस होता है और साइटोसिन यूरासिल और थायामीन में क्या होता है इसमें भी बहुत मायना डिफरेंस होता है ठीक है तो कई बार तो ऐसा पूछा जाता थायामीन क्या होता है तो यूरेसिल का मेथाइल डेरिवेटिव ही होता है थायामींस सो है आप इसको याद कर सकते हो ठीक है एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ध्यान देना जो साइटोसिन होता है ए केवल ए आर एन ए में पाया जाता है कहाँ पाया जाता है आर एन ए में आर एन ए में पाया जाता है और डी एन ए में भी पाया जाता है जबकि जो यूरासी होता है यूरासिल होता है आर एन ए में पाया जाता है और थायमिन केवल डी एन ए में पाया जाता है इसको आप लोग याद रखिएगा ठीक है आर डी यूरासिल आर में पाया जाता है योर आर डी में टी डी इसको आप ऐसे याद रखिएगा योर टी डी ठीक है। पाया जाता है और थान एम पाया जाता है इसको यो से ऐसे याद रखेगा सुगर, सुगर के देखते ना में क्या जो सुगर यूज होता है पेंटोस होता है मेंबर रिंग होते हैं पेंटोस सुगर ये टू टाइप्स के होते हैं जो यूज होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड में राइबोज और डी ऑक्सी डी ऑक्सी राइबोज इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं आपको क्लियर हो जाएगा इसको डी ऑक्सी क्यों कहते हैं राइबोज क्यों होता है ये फाइव मेंबर रिंग इस प्रकार से होते हैं ये फ्यूरान टाइप का होता है फ्यूरेनेज इनको बोला जाता है ऑक्सीजन यहां पर ओ एच ग्रुप ओए ग्रुप ओए ग्रुप यहाँ पर होता है इसको कहते हैं राइबोज सुगर बोलते हैं ठीक है डी में क्या होता है कि ओ एच ग्रुप डी इसका क्या होता है हट जाता है और ये हमारा डी होता है इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर होता है डी ठीक है तो राइबोज जो होता है इसके इस सुगर का यूज आर एन ए के लिए होता है डी यूज होता है डी एन ए के लिए ठीक है तो बाकी इंफॉर्मेशन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक करिए मेरा वेट